ॐ श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सिद्धेश्वरेश्वर सद्गुरुभ्यो। यह घटना 3 दिसंबर 2020 की है। पिछले 10 वर्षों से एक सज्जन व्यापारी के यहाँ मेरी सर्विस अच्छी तरह से चल रही है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का उनका जोरदार व्यापार है। मटेरियल की खरीदी बिक्री के लिए जवाबदारी वाली मेरी पोस्ट। बचपन से ही माता द्वारा प्रदत्त संस्कार और परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरेश्वर जी महाराजा की परम कृपा से मैं जीवन में हमेशा सीधी राह पर ही चला हूँ। उल्टी राह पर जाने का कभी मन ही नहीं हुआ। थोड़े समय के मेरे व्यवहार से खुश होकर मालिक ने मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी डाली और दादा की कृपा से वो जिम्मेदारी बहुत सुंदर तरीके से मैं निभा रहा था। एक खुशनुमा सुबह एक ट्रैक्टर ट्रेलर हमारे गोडाउन पर आया। वह हमारी सुपरिचित पार्टी थी, इसलिए मैंने ऑर्डर चिट्ठी में लिखे अनुसार सामान उसे दे दिया। 28 लाख रुपयों का सामान भरकर ट्रेलर चला गया। शाम के समय सेठ से बात होने पर उन्हें बताया कि आज इतना इतना माल गया है, इतनी पार्टियों के पैसे आए हैं और इतनी पार्टियों के पैसे बाकी है। उस लिस्ट में 28 लाख रुपयों वाली पार्टी का नाम आते ही सेठ चमके। मेरे लड़के से इसी पार्टी ने 6 महीने पहले माल लिया है और अभी भी 45,000 रुपये देना बाकी है। तुमने उसे माल क्यों दिया? बॉस के सामने मैं कैसे कह सकता था कि यदि मुझे यह बात पता होती तो मैं उसे माल नहीं देता। जब मुझे इस बात का पता ही नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर? माल उस पार्टी के गोडाउन में पहुंच चुका था। हमारे हाथ से माल निकल चुका था। सेठ मुझ पर अकुला रहे थे और मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि तुम जाओ और पेमेंट लेकर आओ। मैंने उन्हें धैर्य से कहा कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। मैंने दादा को याद करके पार्टी को पेमेंट के लिए फोन किया। उसके असिस्टेंट ने बताया कि तुम्हारे सेठ ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, इसलिए हम पैसे देने वाले नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। उनके पारस्परिक संबंधों के कारण दोनों लड़ रहे थे और होली का नारियल मैं बन रहा था। हमने सामने वाली पार्टी को पुलिस केस करने की धमकी दी, पर वो इतना पक्का कि कहने लगा जो करना है वो कर लो, हम किसी से डरते नहीं है। असलाली, कणभा और खेड़ा, इन तीनों गांव के पुलिस स्टेशन पर हम गए। हमारी आधी अधूरी बात सुनने के बाद पुलिस केस दर्ज करने के लिए बड़ी रकम रिश्वत के रूप में मांग रही थी। हम निराश होकर वापस चले गए। सेठ ने पैसे खर्च नहीं किए और अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतारा। अब सेठ तो आखिर सेठ ही होते हैं, हम उसे क्या कह सकते हैं? मुझे ऐसा लगा कि यदि सेठ ज्यादा क्रोधित हो गए और मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरी स्थिति खराब हो जाएगी। दूसरे दिन मैं दादा के समाधि तीर्थ जमालपुर गया। भावपूर्ण हृदय से दादा की आराधना की और दादा को विनती की, हे दादा, अब आप ही मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालिए, मेरा आपको छोड़कर कोई अन्य सहारा नहीं है। दादा को प्रार्थना करके जब मैं दूसरे दिन ऑफिस गया तब सेठ ने मुझे बुलाया। मेरे पाँव कांप रहे थे कि अब फिर मुझे धमकाएंगे, मगर मोजी मुस्कान के साथ मुझे बताया कि हमारी धमकी से पार्टी घबरा गई और 2 दिनों में हमारा पैसा चुका देगी। ऐसा उसने हमें भरोसा दिया है। अब अपने सेठ से मैं क्या कहता? यदि पार्टी तुमसे डरती होती तो कब की डर चुकी होती। पार्टी पैसे देने को तैयार हुई है तो मेरे दादा का प्रभाव है। वाकई में 2 दिन में पार्टी ने सब पेमेंट जमा करवा दिया। आखिरकार दादा के आदेश के बाद कार्य की पूर्णाहुति निश्चित ही है। तू मात है, तू तात है,
तू भ्रात है, तू शात है मेरे नाथ, तू ज्ञान है, तू ध्यान है, तू शान है, तू जान है मेरे नाथ, निज चरण में देना मुझको शरण, तेरा ही हूँ मेरे नाथ, अर्पण तुम्हें जीवन मेरा, निर्मल करो मेरे नाथ, जब मैं जागता हूँ मेरे नाथ, मेरे मस्तक पे होता है तेरा हाथ, जब मैं जागता हूँ मेरे नाथ, मेरे मस्तक पे होता है तेरा हाथ, मेरे मस्तक पे होता है तेरा हाथ।